गुजरात से खबर है, गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हो गया। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया है। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है। माहौल को शांत कराने के लिए पथराव करने वाले 33 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सूरत की तस्वीरें, जहां पर हंगामा बरपा। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव करने की कोशिश की, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लोगों को हटाने के लिए, इस भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। 33 उपद्रवी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। इस हंगामे के चलते गणेश पंडाल पर पथराव हो गया और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। इस तरह गाड़ियों को धक्का दे दिया गया, गाड़ियों को गिरा दिया गया, तोड़फोड़ की गई गाड़ियों में, और उसके बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस थाने का घेराव करने की उपद्रवी कोशिश कर रहे थे। 33 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए इस मामले में। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है, भीड़ बेकाबू होने की कोशिश कर रही है। ये उपद्रवी रहे जिन्हें पकड़ा गया है, 33 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गणेश पंडाल पर पथराव की खबर थी और उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस ने अब इलाके में शांति की अपील की है। पथराव पर फिर लोग भी भड़क गए, जो स्थानीय लोग थे वो भड़क गए। झड़प भी हुई है स्थानीय लोगों की उपद्रवियों के साथ, और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके माहौल को शांत कराया है। इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है। और सूरत के लाल गेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान रविवार देर रात कुछ उपद्रवियों ने पंडाल पर पथराव किया। इसके विरोध में हजारों लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। पथराव करने वालों के विरोध में शुरू हुआ प्रोटेस्ट देर रात को हिंसक हो गया। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने आज सुबह उसी पंडाल में जाकर पूजा अर्चना की, जहां पत्थरबाजी की घटना हुई थी। और इस बीच आपको बता दें कि पत्थरबाजी के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी देर रात सूरत पहुंच गए हैं। पंडाल पर पत्थर फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनका कहना है। शांति बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, हर्ष सांघवी की तरफ से कहा गया। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्रों में कॉम्बिंग चालू है, और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और अभी क्या हालात हैं, ये 8 सितंबर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात में जिस तरह से हंगामा बरपा, जो मंत्री हैं गुजरात सरकार में वो भी पहुंच रहे हैं। मेहुल, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सूरत से। मेहुल, इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामला है और पुलिस किस तरह से कंट्रोल करा रही है? जी बिल्कुल, अभी जो रात को जो स्थिति हुई थी, अभी वो पूरे कंट्रोल में है। अभी पुलिस भी पूरे सूरत शहर में राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जब भी ऐसी बनाव बनते हैं, घटनाएं बनती है, तो सोशल मीडिया बहुत भूमिका बजता है। इसलिए पुलिस ने अपील किया है कि सोशल मीडिया पे जो भी मैसेज आए उस पर विश्वास ना करें। और पुलिस अभी तक जितने भी लोग इसमें शामिल है उसको तो बहुत अरेस्ट करने की पुलिस कामगिरी कर रही है। राज्य मंत्री जो गृह मंत्री हर्ष सांघवी है, उसने भी उसका गांधीनगर का जो आज का दौरा था वो भी कैंसिल कर दिया है। वो भी पूरे दिन सूरत में रहेंगे और जो भी इस घटना बनी है उस पर नजर रख। तो 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई है हंगामे के बाद, और पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश करे। मेहुल हमें इस वक्त ताजा अपडेट दे रहे थे, शुक्रिया मेहुल आपका।